हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप सभी सुन रहे हैं कुणाल की हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं रहस्यमय परछाई की बिल्कुल खौफनाक कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको जिस भी टॉपिक पर कहानी सुनना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक पर स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी को। वैसे तो मेरा नाम सुंदरी है, पर घर में प्यार से सब लोग लाली कहते हैं। कुछ दिनों पहले ही मेरे बाबूजी ने सुखी राम जी के साथ मेरा लगन तय कर दिया था। शुरुआत के दिनों में मैं सुखी राम जी के बारे में कुछ खास तो नहीं जानती थी, पर हाँ, जब बाबूजी माई को बता रहे थे सुखी राम जी के घर और उनके बारे में, मैंने तब चुपके से उनकी बातें सुन ली थी। बाबूजी ने माई से यही कहा था कि सुखी राम जी का घर बार सब कुछ अच्छा है, लाली को बहुत खुश रखेंगे वो लोग। ये सुनते ही मैं शर्मा सी गई। इंतजार के दिन खत्म हुए, आज मेरा ब्याह सुखी राम जी से हो गया। बाबूजी का घर सुनाकर मायके का प्यार बटोरे आज विदा हो गई हूँ। सुखी राम जी को ही अपना सब कुछ मान के उनके साथ उनके घर में प्रवेश किया। पहुँचते ही सासू माँ जी और ननंद रेखा से परिचय हुआ। मैं थोड़ी घबराई सहमी सी थी, मन में अलग अलग प्रकार की भावनाओं की लहरें उठ रही थी। तभी रेखा बोली, भाभी आप चलिए अपने कमरे में आराम कर लीजिए। रेखा मुझे कमरे में ले जाती है और मुझे पलंग पर बैठने के लिए कहती है। फिर रेखा मेरे कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा लगाकर बाहर चली जाती है। मन में ढेरों अरमान लिए मैं पलंग पर ही बैठी थी, तभी दरवाज़ा खुला। मैंने नज़रें थोड़ी सी उठाई तो देखा शेरवानी पहने हुए सुखी राम जी थे। आज मैंने पहली बार उन्हें देखा था और उन्होंने मुझे। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कोई फिल्मी अभिनेता हो। अब वो धीरे धीरे मेरे पास आए और बैठे। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, घबराओ नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो। अब तक हम दो अलग अलग जीवन जी रहे थे, आज से हम दो दिल एक जान हैं। तुम मेरा साया हो, मैं तुम्हारी परछाई बन हमेशा तुम्हारे संग रहूँगा। उनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुखी राम जी का सादा जीवन, उच्च विचार मेरे मन को मोह लिया। अब मेरी सुबह भी उनके साथ और रात भी उन्हीं के साथ, मैं अपने से ज़्यादा उनके लिए जीने लगी थी। शादी के 3 महीने बाद आज वो ऑफिस जाते वक्त मेरे माथे को चूमा और कहकर गए, अपना ध्यान रखना, आते वक्त तुम्हारे लिए चटपटी आलू चाट लाऊंगा। मैंने उन्हें बाय कहकर उनके गले लगकर कहा, आप भी अपना ध्यान रखना। उनके आने का वक्त तो हो गया था, मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर उनके आने का ही इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते 3 घंटे बीत गए, पर उनकी कोई खबर नहीं थी, ना ही उनका फ़ोन लग रहा था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी, मुझे लगा जरूर वही होंगे। मैंने झट से फ़ोन उठा लिया, फ़ोन पर एक आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ सुनते ही फ़ोन मेरे हाथों से गिर गया और मैं बेहोश हो गई। और वो आवाज़ थी, सुनिए ये फ़ोन जिसका भी है, भयानक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। आज 1 महीने बाद मुझे होश आया, पर मैं अब वो चुलबुली लाली ना रही। उनके जाने के बाद मेरा तो संसार ही उजड़ गया है। अब मैं सजू तो किसके लिए, जीऊँ तो किसके लिए। शादी के अभी 3 महीने ही हुए थे कि सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उनकी यादों के सहारे ही जी रही हूँ, खुद को उनका साया समझकर जिंदगी काट रही हूँ। मेरा नाम तो आज भी सुंदरी है, पर मेरे मांग में सिंदूर नहीं। लोग तो आज भी मुझे लाली कहते हैं, पर मेरे होठों पर लाली नहीं। आज 2 बरस हो गए सुखी राम जी को हमारी ज़िंदगी से गए हुए। आज भी ऐसा ही लगता है
कि अभी ही थोड़ी देर में चटपटी चाट लेकर आएंगे और कहेंगे, मेरी लल्लिया देखो तो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। खैर, अब उन्हीं की यादों के सहारे जी रही हूँ। सास ससुर भी मुझे रेखा की तरह ही अपनी बेटी मानते हैं। सांझ होने को आ गई थी, रेखा मेरे कमरे में आई और बोली, भाभी आपके माँ बाबूजी आए हैं, चलिए आपके बारे में पूछ रहे थे। मैं रेखा के साथ ही चली गई माँ बाबूजी से मिलने। माँ को देखते ही मेरी आंख भर आई। माँ के चेहरे पर भी रुआसी भरा भाव झलक रहा था। माँ ने मुझे झट से गले लगा लिया। उसके बाद मैंने बाबूजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। फिर सासू माँ के कहने पर मैं रसोई घर में चली गई चाय नाश्ते का प्रबंध करने। जब मैं चाय और प्याज की पकौड़ी उसके साथ आम की चटनी लेकर आई, उसे ठीक सामने की मेज पर रख दिया जहाँ बाबूजी बैठे थे। मैं भी वहीं सासू माँ के बगल में बैठ गई। तभी माँ कहने लगी, ललिया आगे के भविष्य के बारे में कुछ सोची हो कि नहीं। ये सुनते ही मैं चौंक सी गई। मैं माँ को ही देखने लगी। तभी माँ फिर से बोली, बिटिया ऐसे कैसे और कितने दिन चलेगा। सासू माँ ने भी माँ की बातों को सहमति देते हुए कहा कि जी समधन जी, आप बहुत उचित मुद्दा उठाई हैं। अब हम सबको मिलकर ललिया के दूसरे विवाह के बारे में सोचना चाहिए। सभी के लिए ये बात कहनी तो बड़ी आसान थी, पर मेरे मन में ये ख्याल आते ही ऐसा लगता मानो मेरे अंग बेजान हो गए हों और मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई हो। सुखी राम जी मेरे सिर्फ पति ही नहीं थे, मैं उनमें ही अपना परमेश्वर देखा करती थी। उनके जाने के बाद मैं उन्हीं की ही तस्वीर पूजा करती हूँ। कई दिनों तक सभी ने मुझे समझाने और दूसरा विवाह करने के लिए मनाने की कोशिश की। एक दिन तो सासू माँ जी मेरे पास मेरे कमरे में आई और मेरे सामने रो रो कर कहने लगी, ललिया मान जाओ जो सब मिलकर तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कई दिनों से। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। माँ जी की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें इस बार मना न कर पाई। कई दिनों तक रिश्ते की तलाश में सब लगे रहे। फिर एक दिन मैं कुएं पर पानी भरने आई थी, तभी कुछ लोगों को घर में आते देखा। बाद में रेखा से पता चला कि वो लोग मुझे ही देखने आए थे। उनके जाने के बाद माँ जी मेरे कमरे में आई। मैंने देखा कि उनके हाथों में कुछ पेपर जैसा था। तभी माँ जी मेरे पास बैठी और कहने लगी, लड़के का नाम गणेश है। बीमारी के कारण उनकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल हो गए। उनकी 4 साल की एक बेटी भी है। ये उनकी तस्वीर है, एक बार देख लेना, फिर जो फैसला हो बता देना, वैसे ही करेंगे हम। माँ जी को टोकते हुए मैं बोल पड़ी, नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं, आप बड़ी हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप करिए। फिर क्या, मेरा रिश्ता गणेश जी के साथ तय हो गया और कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी हो गई। शादी बिल्कुल भी धूमधाम से नहीं हुई थी। यहीं कुछ 20 बराती उनकी तरफ से और 20 लोग हमारे तरफ से थे। हमारे यहाँ दोहरी शादियों में अधिक तामझाम नहीं होता। आज फिर से मेरी डोली उठी है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मायके से अधिक प्यार दिया। आज फिर से मैंने सिंगार किया। आज फिर एक बार विदा हुई हूँ। जब मैं गणेश जी के साथ उनके घर में प्रवेश की, सामने ही एक छोटी सी गुड़िया खड़ी थी। गणेश जी ने बताया, ये मेरी बेटी है सरिता। मैंने झट से सरिता को गोद में ले लिया। सरिता भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे गणेश जी के घर में मैं ढलने लगी। सरिता के और करीब आती गई। सरिता भी मुझे माँ माँ कहकर बुलाया करती थी। मेरे को बड़ा सुकून मिलता था। सुबह उठना, फिर घर के कुछ काम करना, उसके बाद सरिता के साथ खेलना। सरिता के साथ रहते दिन कैसे गुजर जाता समझ ही नहीं आता था। अब तो ऐसा मानो कि यही मेरा रोज का काम हो गया था। ऐसा लगने लगा है कि मानो मेरी जिंदगी के बगिया में एक बार फिर हरियाली छाने लगी है।
तो आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बड़ी बड़ी घास और झाड़ियों से भरे हुए विशाल मैदान में उस प्राचीन इमारत को बाहर से देखने पर ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि ये कोई स्कूल की इमारत है। मगर सच तो ये था कि वो एक स्कूल ही था। सच तो ये था कि वो स्कूल तो किसी एंगल से लगता ही नहीं था। यहाँ बच्चे भी पढ़ते थे और ठीक उसके बगल में बनी हुई एक और टूटी फूटी इमारत भी खड़ी हुई थी। वो उस स्कूल का हॉस्टल था जहाँ पर उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी रहते थे। वो बच्चे बहुत ही गरीब समाज के होते थे। उस स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ने आया करते थे जो जिनके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। स्कूल एक पुराने जागीरदार के नाम से चलता था जो शहर से तकरीबन 20 मील दूर जंगल के चारों ओर घिरा हुआ था। जंगल इतना घना था कि दिन के समय में भी वहाँ पर धुंध छाई रहती थी। पिछली सदी की शुरुआत में ये इमारत रिहाइश के लिए उस जागीरदार ने बनवाई थी जिसके नाम से ये स्कूल चलता था। कोई नहीं जानता था कि उस जागीरदार को इंसानों की दुनिया से क्या प्रॉब्लम थी कि उसने अपनी रहने की जगह के लिए इस वीरान जंगल को चुना था। मगर यहाँ भी वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सका। यहाँ बसने के 5 साल बाद ही अचानक उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि उसकी मौत कुछ ऐसी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी कि उसकी वजह से उसके वारिसों को यहाँ से दूर रहने का फैसला करना पड़ा था। कुछ सालों बाद उन्हीं वारिसों में से किसी ने इस जंगल को खंडहर बन जाने देने के बजाय गरीब बच्चों के बोर्डिंग स्कूल बना देना बेहतर समझा। आसपास की बस्तियों के अनाथ और गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते थे और रहते थे। जागीरदार के वारिस ने स्कूल के गुजारे के लिए जो ट्रस्ट बनवाया था उसी के पैसों से ये स्कूल ठीक ठाक चल रहा था। स्कूल में 1 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले लगभग 400 बच्चे थे और इनको पढ़ाने के लिए लगभग 12 अध्यापक भी थे। बच्चों की तरह उन्हें पढ़ाने वाले भी गरीब तबके से तुलना रखते थे। सच तो ये था कि पढ़ाना उनका शौक नहीं बल्कि मजबूरी थी। उन सब के बारे में यही कहा जा सकता था कि अगर उनके पास कोई और विकल्प होता तो वो यहाँ पर कभी भी पढ़ाने के लिए नहीं आते, क्योंकि तनख्वाह के नाम पर यहाँ सिर्फ चंद रुपए ही उन्हें मिलते थे। भला बेचारे वो इस ब्याबन में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने क्यों आते। स्कूल का प्रिंसिपल प्रिंसिपल से ज़्यादा किसी गांव का बदतमीज चौधरी लगता था। बच्चों को ही नहीं वो यहाँ के टीचरों को भी डंडे से हाँकना पसंद करता था। यहाँ का हर इंसान उससे डरता था और जितना उससे डरता था उससे कहीं ज़्यादा उससे नफरत भी करता था। लेकिन उसकी जायदादियाँ सहने के सिवाय किसी के पास कोई चारा नहीं था। उस स्कूल की इमारत और इमारत के बाहर हर समय छाई रहने वाली खामोशी में केवल सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की ही आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बाकी लोग बस सहमे हुए सिर झुकाए अपना काम करते रहते थे। सच तो यह है कि वो प्रिंसिपल इंसान के नाम पर जल्लाद था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहते थे। वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रूर स्वभाव का था। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं। वो इस वीराने में रहकर शायद अपने अंदर की इंसानियत भूल चुका था। वो भूल चुका था कि वो भी एक इंसान है और इंसान के अंदर जज्बात भी होते हैं। वो अंदर से पूरी तरह से खाली हो चुका था। उसके अंदर कोई चीज़ थी तो वो सिर्फ क्रोध था। ये स्कूल एक पहाड़ के ढलान पर था जिसके आसपास दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती मौजूद नहीं थी। वहाँ पर हमेशा अजीबोगरीब तरह का माहौल रहा करता था। उस जगह पर अच्छे खासे जानवर भी मौजूद थे।
मगर उन्हें भी देखकर ऐसा महसूस होता था कि वो जानवर भी अंदर ही अंदर किसी वजह से डरे हुए हैं। उनकी आंखों में भी हमेशा मायूसी ही रहती थी। गर्मियों के मौसम में भी यहाँ अक्सर धुंध फैली रहती थी। एक अजीब सा आलम हर वक्त रहता था। पंछियों की आवाज़ें भी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। लगता था कि पेड़ भी जैसे किसी अनहोनी के इंतजार में सहमे हुए अपनी जगह पर खड़े हैं। सच तो ये था कि वो पेड़ के साए हमेशा एक अजीब सी आकृति बनाए रहते थे, जो दूर से देखने में किसी शैतान से कम महसूस नहीं होते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कि वो जगह इस दुनिया की हो ही ना, जैसे कि वो हिस्सा किसी और ही दुनिया का हो। वहाँ हमेशा एक एहसास रहता था जैसे कि कोई अनहोनी घटना होने वाली हो। और एक दिन ऐसा ही हुआ। उस दिन स्कूल में एक अजीब बात हुई। राहुल जब छुट्टी के बाद लंबे गलियारे से गुजरता हुआ हॉस्टल की ओर जा रहा था, न जाने उसे अचानक क्या हो गया कि वो हॉस्टल को जाने वाला सीधा रास्ता छोड़कर बाईं ओर मुड़ गया। राहुल 8वीं क्लास का स्टूडेंट था और 7 महीने पहले ही वो यहाँ पर आया था। इससे पहले वो शहर के एक स्कूल में पढ़ता था, मगर वो वहाँ पर फेल हो गया था। तो साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला उसका पिता उसकी सौतेली माँ के दबाव में राहुल को इस स्कूल में छोड़ गया था। अपने बच्चे को यहाँ डालने के बाद अधिकांश माँ बाप अपने बच्चे को लगभग भूल जाया करते थे। यहाँ किसी को दाखिला करने का मतलब होता था उससे अपना पीछा छुड़ाना। कुछ ऐसा ही राहुल के साथ भी हुआ था। राहुल एक कमज़ोर दिमाग वाला शरारती लड़का था। शहर वाले स्कूल में राहुल को सजा भुगत भुगत कर उसकी आदत चिकने घड़े जैसे हो गई थी। इस नए स्कूल की सख्तियाँ भी उसे सुधार नहीं सकी थी। हर मार के साथ उसके अंदर का बाघी उग्र होता जा रहा था। वो अपने दोस्तों को सताता था, टीचरों की चीज़ें चुराता था और प्रिंसिपल के कमरे के सामने गला फाड़ फाड़ कर फिल्मी गाना गाता हुआ गुजरता था। उसे किसी भी बात का डर नहीं था। मार खाते हुए भी उसे हमेशा मुस्कुराते देखा जाता था। उस दिन जब वो हॉस्टल के बजाय बाईं तरफ अंधेरे रास्ते पर मुड़ गया था, तब उसे असाधारण रूप से एक कठोर दंड मिला हुआ था। पकड़े जाने पर पहले तो प्रिंसिपल ने उसकी पीठ पर कई लकड़ियां तोड़ दी। उसके बाद की सजा ये मिली कि उसे दोपहर का खाना भी नहीं मिला और स्कूल का टाइम ख़त्म होने के बाद उसे एक टीचर की निगरानी में 4 घंटे तक क्लास के बेंच पर खड़ा रखा गया था। हॉस्टल से क्लास जाने की इजाज़त मिली। उस समय तक मैदान में खेलने का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। वो उदास मन से हॉस्टल की तरफ जाते जाते बाईं ओर मुड़ गया। राहुल इसी रास्ते से स्कूल और हॉस्टल के बीच आता जाता था। कभी उसकी नज़र बाईं ओर मुड़ने वाले रास्ते की तरफ नहीं गई थी। आज अचानक ही उसका ध्यान उस अनजान मोड़ की तरफ चला गया था। राहुल की जगह अगर और कोई सोचने समझने वाला इंसान होता तो उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब होता कि कल तक जहां गलियारे के किनारे सपाट दीवार थी, आज वहां रास्ता कैसे बन गया। राहुल तो बस चुपचाप यूं उस तरफ मुड़ गया कि जैसे वहां कोई बहुत ही दिलचस्प सामान मौजूद हो। असल में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस तरफ के अंधेरे से किसी ने उसे बहुत ही धीमी आवाज़ दी हो। राहुल डरने वाला लड़का तो कभी नहीं था। वो आराम से अंधेरे में चलता हुआ चला गया। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। ये अजनबी रास्ता राहुल के लिए और लंबा होता जा रहा था। ऐसा लगता था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फिर अचानक राहुल ने छत से पानी टपकने की आवाज़ सुनी। उसके अलावा कहीं और कोई आवाज़ नहीं थी, वो भी नहीं जिसे सुनकर वो उस तरफ गया था।
कुछ देर बाद उसके कदम किसी जमीन पर पड़ना शुरू हुए। उस पर काई बिछी हुई थी। वो देख तो नहीं सकता था, मगर उसकी फिसलन ऐसी थी कि कदम जमा जमा कर उसको चलना पड़ रहा था। पानी टपकने की आवाज बराबर आ रही थी। राहुल के होठों पर एक अजीब सी उत्साह की मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि वो किसी महत्वपूर्ण खोज पर निकला हुआ है। उसे ये भी एहसास हो रहा था कि उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो पहले किसी और को नहीं मिला था। यह एहसास उसके लिए बहुत मज़ेदार था, जो उसे एक अलग ही अंदाज दे रहा था। मगर उसे क्या मालूम था कि कोई वहाँ है जिसने एक योजना के तहत उस एहसास को उसके मन में अपनी ओर से पैदा किया था। वो कमज़ोर बुद्धि वाला लड़का था, ऐसी बातों का ज्ञान भला उसे कैसे हो सकता था। चलते चलते सामने कुछ दूरी पर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। फिसलन पर संभलने की कोशिश करते करते वो थक गया था, मगर इस रोशनी ने उसके उत्साह को ताजा कर दिया था। रोशनी की तरफ बढ़ते बढ़ते वो कमरे में खुले हुए दरवाजे तक पहुंच गया। खुले हुए दरवाजे से कमरे के अंदर कतार से लगे पीछे रखे हुए बेंच दिखाई पड़े। साफ साफ लग रहा था कि वो किसी क्लास का कमरा था जो इस वक्त बिल्कुल खाली था, जैसे कि इससे पहले किसी विद्यार्थी के कदम वहाँ पर पड़े ही ना हो, जैसे वो क्लास अपने पढ़ने वालों का इंतजार कर रही थी। राहुल को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई। वो सोचने लगा, तो क्या मैं इतनी दूर चलकर केवल सिर्फ इस क्लास को देखने के लिए आया था? उसे वैसे भी पढ़ाई और टीचर से नफरत थी। वो वहाँ से वापस ही जाने वाला था, तभी अचानक उसे बहुत बड़े सपाट दीवार वाले कमरे में किसी किनारे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। अजीब भाव में उससे कुछ कहा गया था। उसने इस तरह की भाषा कभी नहीं सुनी थी। सच तो ये था कि वो उस भाषा को समझ ही नहीं पाया था। उसने चौंक कर उस आवाज़ के स्रोत की तरफ देखा। उसने देखा एक बहुत लंबी इंसानी काया एक मंच पर खड़ी थी। उसने सिर से पैर तक एक काला लबदा पहन रखा था, जिसमें से सिर्फ उसका चेहरा और हाथ बाहर थे। उसके पीछे दीवार पर एक लंबा कार ब्लैक बोर्ड लगा हुआ था। उस परछाई ने राहुल से फिर उसी अजनबी भाषा में कुछ कहा। उसकी कितनी अजीब भाषा थी, उससे कहीं ज़्यादा अजीब उसकी आवाज़ थी। उस सीधे खड़े हुए विशाल शरीर से निकलने वाली आवाज़ कुछ ऐसे थी जैसे कि दंतविहीन बूढ़ी औरत की होती है। उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये हुई थी, अचानक राहुल उस अजनबी भाषा को थोड़ा बहुत समझने लगा। उसके कान उन शब्दों को सुन रहे थे जो उसकी समझ से बाहर थे, लेकिन दिमाग के भीतर सब कुछ उसकी अपनी चिर परिचित भाषा में था। राहुल अब उस परछाई को बहुत गौर से देख रहा था, और वो परछाई भी राहुल को अजनबी निगाहों से देखे जा रही थी। कुछ देर बाद राहुल के कानों में वही अजनबी शब्द अजनबी भाषा में सुनाई दी। बैठ जा राहुल, तुम्हें मैंने ही यहाँ बुलाया है। उस आदेशात्मक लहजे को सुनकर राहुल चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। उस परछाई ने अपनी बात जारी रखी। मैं यहाँ का टीचर हूँ और तुम मुझे इसी नाम से पुकारोगे। मेरी क्लास में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें इस क्लास में वही बातें पढ़ाई जाएंगी जिनसे विपरीत पढ़ाई तुम अब तक कर चुके हो। ये परछाइयों की क्लास है राहुल, यहाँ सारी बातें उल्टी होंगी। मिसाल के तौर पर अब तक तुम्हें बताया गया था कि झूठ बोलना गलत है। जो लोग तुम्हें ये बताते हैं वो दरअसल खुद झूठ बोलते हैं। इसका मतलब है झूठ व्यवहारिक है और सच झूठ है। यहाँ तुम्हें वो बातें सिखाई जाएंगी जो सच होती है। परछाइयों की ये दुनिया पाप की दुनिया है, और पाप व्यवहारिक है और पवित्र केवल झूठ है। यहाँ तुम्हें पाप के गुण समझाए जाएंगे जिन्हें अपनाकर
एक दिन तुम उन सारे सुखों को प्राप्त कर लोगे जिन्हें सच बोलने जैसी बेकार की बातों से नहीं पा सकते। वो परछाई नुमा टीचर बहुत सारी बातें बहुत जल्दी जल्दी किसी मिशन की तरह बोल गया। उसने ऐसी बहुत सी बातें राहुल को सिखाई जो उसे बहुत अच्छी लगी। उसे अपने माँ बाप से नफरत थी, उसे प्रिंसिपल और टीचर से भी नफरत थी, उसे सारी दुनिया से नफरत थी। राहुल ने उस परछाई की ओर देखते हुए कहा कि वो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। उसकी बात सुनकर वो परछाई बहुत खुश हुई और राहुल उस परछाई की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। वो उसके अल्फाज को बड़ी बेकरारी से जांच रहा था। हालांकि वो उस अजनबी भाषा से अज्ञान था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो परछाई उससे क्या बोल रही है। मगर फिर भी वो सब कुछ समझ रहा था कि वो उससे क्या बातें कर रही है। जैसे कि राहुल के दिमाग के अंदर उस भाषा का कोई बॉक्स खुल गया हो और अब राहुल अच्छी तरह से समझ रहा था उस परछाई की भाषा को, और वो परछाई की हर बात पर हाँ में सिर हिला रहा था। राहुल की स्थिति ठीक बिल्कुल वैसी ही हो गई थी जैसे कि किसी सम्मोहित व्यक्ति की होती है। कुछ ही देर के बाद राहुल के चेहरे के रंग बदल गए। उसकी आंखों में अचानक से शैतानियाँ झलकने लगी और उसने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए उस परछाई की तरफ देखकर कहा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा और सारी जिंदगी अंधेरे को फैलाने में लगा दूंगा, और जब तक अंधेरा पूरी दुनिया में फैल नहीं जाता तब तक मैं नहीं रुकूंगा। राहुल ने बहुत गुस्से से परछाई की तरफ देखकर कहा। वो परछाई से ऐसे बातें कर रहा था मानो कि वो उस परछाई को वर्षों से जानता हो। आज की कहानी यहीं तक, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तो कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।